Yeah, boy. हेलो गाइस, हाउ आर यू टुडे? वेलकम टू माय चैनल फिकल गेमिंग। तो अभी क्रीपी पार्टी इवेंट चल रहा है और ये सबसे अच्छा मौका है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो नो मैटर आप कोई से भी प्लेन में हो, जून प्लेन, ई2 प्लेन और मार्कस प्लेन, ये समय बहुत अच्छा है। इस समय हम लोग बहुत सारा लेजेंडरी सेटपैक अर्न कर सकते हैं और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इमोर्टल लोड सेट, इसको तो गेन कर ही सकते हैं। सो मैंने इस इवेंट का पूरा फ़ायदा उठाया है और ले देखे मैंने दो लेजेंडरी सेटपैक गेन किया है बाय कम्प्लीटिंग मैराथन्स। तो चलते हैं इसी मैराथन को देखते हैं कि मैंने कैसे कम्प्लीट किया और मुझे सेटपैक में मिला क्या है। तो बने रहिए वीडियो के साथ और चलते हैं सीधे पैक्स की ओर। आई मीन लेजेंडरी सेटपैक्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने एक यूनियर प्रीमियम पैक खोला जिससे अभी बूस्टर पैक मैराथन, इससे भी लेजेंडरी सेटपैक मिल रहा। उसके बाद है मार्कस प्लेन, क्योंकि मैं मार्कस प्लेन में नया नया हूँ, सो मुझे अभी ये नया मैराथन मिला। ऊपर से अभी विनर मैराथन जो कि मेरा कंप्लीट हो गया है, तो इट्स टाइम टू क्लेम दिस ऑल रिवॉर्ड एंड मूव टू द नेक्स्ट मैराथन ऑफ द क्रीपी पार्टी इवेंट। देर आर थ्री इवेंट्स इन क्रीपी पार्टी इवेंट, फाइटर मैराथन, विनर मैराथन और चैंपियन मैराथन। और ये तीनों कंप्लीट करने के बाद कंप्लीट होता है क्रीपी पार्टी का इवेंट, जो कंप्लीट करने के बाद हमें मिलता है फर्स्ट लेजेंडरी सेट पैक। और उसके बाद एक इवेंट है, सॉरी मैराथन है, फॉरेस्ट्री मैराथन, और वो कंप्लीट करने के बाद भी मिलता है सेट पैक। सो दीज टू विच आई एम एबल टू कंप्लीट। बूस्टर पैक मैराथन इट्स वे हार्ड, इसमें लेजेंडरी सेट पैक खोलना था और यूनिक प्रीमियम पैक खोलना था जो कि अर्न करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। सो मुझसे जो हो पाया मैं वही। सो क्रीपी पार्टी इवेंट का मेरे पास चार पॉइंट आ चुका है, लेट्स गेट क्लेम दिस। टिकट्स वेरी इंपॉर्टेंट है मैराथन्स कंप्लीट करने के लिए, तो मैं जैसे ही कंप्लीट होता है वैसे ही क्लेम कर लेता हूँ, क्यों वेट करना फालतू में। सो इट्स टाइम टू क्लेम द चैम्पियन स्प्रिंट। ओके, इसमें हमें लेजेंडरी सेट पैक तो नहीं मिलेगा लेकिन पैक ऑफ द हेराल्ड्स मिलने वाला है, क्योंकि मैंने हेराल्ड्स फ्रैक्शन चूज किया है, आपने जो भी चूज किया होगा। सो लेट्स ओपन दिस एंड सी व्हाट आई गॉट। आई लाइक हेराल्ड्स एंड डायनेस्टी, एक्चुअली आई लाइक ऑल ऑफ थ्री। ओके यस, ये आइस फैंग्स मिला, ग्लूमी स्पेक्टर का ये सेट मिलने वाला है मुझे आई थिंक, पर सेट नहीं मिलेगा उसका, बस रेंज वेपन मिला। एनीवे लेट्स मूव इट ओवर एंड क्लेम द रियल। और हियर वी कम, क्रीपी पार्टी इवेंट एंड सेट पैक, लेट्स सी व्हाट आई गॉट, लेट्स सी आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस पैक। सेट पैक जैसे ही आता है मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही खुश हो जाता हूँ। सो लेट्स ओपन दिस। लेजेंडरी सेट पैक, लेट्स सी व्हाट वी गॉट। वाओ, ड्रैगन फ्लाई स्पाइट, देखा लग रहा। या डिवाइन जज लेजेंडरी सेट, यस। सबसे अच्छी बात यह है ये मेरे पास तो था पहले से, लेकिन E2 प्लेन से मार्कस प्लेन में मैं अभी तुरंत ही आया था, सो मैं इसे यूज नहीं कर सकता था, बट अब मुझे वापस मिल चुका है। सो मार्कस प्लेन यू आर डन फॉर, यस। डिवाइन जस्ट सेट मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा है पूरे सेरो 5-3 में, हमेशा ये मुझे मिलते ही रहा है, सो आई डोंट नीड टू वरी एट ऑल, थैंक्स। सो अब बढ़ते हैं सेकेंड सेट पैक खोलने की ओर, और वो हमें मिलेगा फॉरेस्टी मैराथन से। फॉरेस्टी मैराथन एक्चुअली थोड़ा कैची था, इसमें 10 पॉइंट मिलना था ड्यूअल खेलने से और बाकी 10 पॉइंट्स रेयर से, और मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 पॉइंट फॉर यूनिक बूस्टर पैक्स एंड 400 पॉइंट फॉर ओपनिंग ब्लिजर्ड एंड ग्लेशियर, जो कि सर खरीदने से मिलना वाला था, सो वो तो खुलने से रहा। सो मैंने सिर्फ और सिर्फ यूनिक बूस्टर पैक खोला और प्लस में मैंने ड्यूअल खेलते रहा। तो ड्यूअल खेलते खेलते मैंने इतना क्लेम किया, सो इट्स क्लेम्ड एंड लेट्स सी व्हाट वी गॉट। ओ वाओ, माइंड प्रोटेक्टर, यस, दो चीज़ तो आ चुका है हमारे पास पैक का। और जे मैंने इसको क्लेम इसलिए क्यों किया, क्योंकि इसमें एक लेजेंडरी पैक है, 200 पॉइंट मुझे मिल जाएगा, दैट्स इट। और इस यूनिक प्रीमियम यूनिक पैक से 100 पॉइंट मिल चुका है, लेजेंडरी है रहा 200 पॉइंट मिलेगा फॉरेस्टी मैराथन के लिए, ओ माय गॉड। बट एनीवे थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। सो मैंने इसको टू पार्ट में क्लेम किया था, फर्स्ट में क्लेम किया तो मुझे ये मिल रहा, अभी सेकेंड में क्लेम करके हमारे पास सीधे सेट पैक आएगा, एयर स्क्रू, दैट्स गुड। ओके, मेरे पास निंजा सेट ऑलरेडी है, एनीवे आई डोंट केयर। आई होप यू हैव सीन माय वीडियो निंजा, लेजेंडरी निंजा सेट, मैंने तुरंत ही क्रीपी पार्टी इवेंट से निंजा सेट पाया। सो ले देखे मेरे पास क्रीपी पार्टी इवेंट से तीन लेजेंडरी सेट मिला मुझे, निंजाटो सेट, डिवाइन जस सेट, और एक जो तीसरा सेट जो मिलने वाला है इसका नाम तो मैं जानता नहीं, बट यू नो इट्स गुड सेट। सो लेट्स मूव फॉर। सो इन ऑर्डर टू कम्प्लीट फॉरेस्टी मैराथन्स
I needed to open many booster packs, unique premium booster pack, unique basic booster pack. So I'd opened it all many times. I didn't even count it how many times I've opened. So after opening many booster packs, I played a lots of duels. I think I played more than 150 or 200 duels. I just played. हो सकता है मैंने उससे जब भी ज़्यादा खेला हो. मेरे पास 7211 ट्रॉफीज़ है और मैं टॉप 50 में आ चुका था लोकल रेटिंग में. सो यू कैन गेस हाउ मच आई हैव प्लेड ड्यूअल्स. एनीवे, तो ये सब करने के बाद फाइनली फॉरेस्टी मैराथन कंप्लीट होने पे आ ही चुका था. तो मैंने पहले ये यूनिक बूस्टर पैक खोला जिससे मुझे 100 पॉइंट मिलेंगे. मैं 4900 पॉइंट्स पे था, 5000 पॉइंट चाहिए लेजेंडरी बूस्टर पैक के लिए. और ये जैसे ही मैं खोलूंगा वैसे मुझे 100 पॉइंट मिल जाएगा और मेरा फॉरेस्टी मैराथन कंप्लीट हो जाएगा. सो दैट्स इट. एनीवे, तो यहाँ पे फॉरेस्टी मैराथन कंप्लीट होता है और बढ़ते हैं सीधे लेजेंडरी सेट पैक की ओर. लेजेंडरी सेट पैक काफ़ी मज़ेदार होता है क्योंकि यू नो उसमें सेट बोनसेस होते हैं और सेट बोनस कभी कभार नहीं भी होता है तो भी जो बोनस है वो तो सेट पैक है, वो तो सेट पैक ही है. बहुत अच्छा होता है वो. सो लेट्स ओपन दिस एंड सी व्हाट वी गॉट. मार्कस प्लेन इजी रेकमेंड. व्हाट इज दिस डिटैचमेंट? देखा देखा लग रहा है. तो स्टील ड्रैगन फ्लाइज ये भी मैंने यूज़ किया एक बार बट आई हैव नॉट. ये सेट मेरे पास पहली बार आ रहा है. नॉक जनरल क्लचेस लेजेंडरी साई. यस लेजेंडरी साई. तो इसका तो कोई नाम नहीं है सो आई कैन थिंक इसका लेजेंडरी साई नाम रखते हैं. लेजेंडरी साई यूनिक लेजेंडरी सेट पैक. सो मेरे हिसाब से इसमें कोई सेट बोनस नहीं है बट एनीवे दिस इज़ गुड, दिस इज़ काइंड ऑफ गुड. आई गॉट अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी. तो चलिए कलेक्ट करते हैं इस सेट को और आगे बढ़ते हैं. वाह कंप्लीटेड एवरीथिंग. 470 मार्कस प्लेन आइटम. दिस इज़ वेरी फन टू यूज. मैंने इसको जब खेला तो काफ़ी मज़ा आ गया. इससे मैंने अभी आयरन क्लेट को हराया है सो इट्स वेरी फन टू यूज़. सो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए इतना ही. मिलता हूँ मैं आपसे नए वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.